ये दिल्ली का बड़ा इम्पॉर्टेंट बड़ा गंभीर विषय है। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को हम लोगों ने नक्शे मांगे थे जब हमारी सरकार थी 2008 अगस्त में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 मार्च में ही नोटिफिकेशन किया था। उसके बाद हमने 1539 कॉलोनीज को प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स दिए थे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2008 में जिन कॉलोनीज को प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स दिए गए नक्शे को बाकायदा बाउंड्रीज को वेरीफाई कराने के बाद, पहले नक्शे मांगे गए आरडब्ल्यूएस से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनकी बाउंड्रीज को वेरीफाई कराया गया। ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे कलीग है, ये बैठे हुए हैं, ये भी उस वक्त थे। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और आज तक इसको टाइम बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बजाय इसके कि कॉलोनीज को रेगुलराइज करा के वहां जो बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड की जाए। बेसिक एमिनिटीज में भी शुरुआत हमारी गवर्नमेंट ने करी थी, हमने उनको सड़कें दी थी, हमने उनको नालियां दी थी, हमने उनको बिजली प्रोवाइड कराई थी, हमने उनको सीवर दिया था। लेकिन आज हालत ये हो गई है सर कि उन अनऑथराइज कॉलोनीज में जिनको रेगुलराइज करने की बात 2008 में हम लोग कर रहे थे, आज तक उसे रेगुलराइज नहीं होने से वहां एक ट्रांसफार्मर रखने की जगह आपको नहीं मिल रही है, कोई आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते इसलिए कि जगह वहां बच नहीं रही है, वहां पे आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना सकते, वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाने की जगह नहीं है। हम यहाँ पे हमारे मंत्री जी बैठे हैं, गोयल साहब भी, उन्हें भी पता कि किस समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। अगर ये कॉलोनीज उस पर रेगुलराइज हो जाती और ये बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए जगह डिमार्केट कर ली जाती तो आज इसकी जरूरत एक्सटेंशन की नहीं पड़ती। आज हालत ये है कि ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, जो 1539 कॉलोनीज हम लोगों ने रेगुलराइज की थी, आज उन कॉलोनीज का नंबर 1800 के करीब पहुंच गया है। तो क्या आप इन 300 कॉलोनीज को, 200 कॉलोनीज को जो बढ़ गई हैं, क्या उन्हें डिमोलिश कर सकते हैं, क्या गरीबों को उजाड़ सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, 70% दिल्ली की जो गरीब जनता है वो अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रही है, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में रह रही है। वहां कोई सिविक एमिनिटीज देने की पोजीशन में हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इसको जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दुनिया भर के हो रहे हैं, जिसको रोकने में हम लोग नाकामयाब हैं, उसकी वजह मंत्री जी सिर्फ ये है कि हमारे जो नीचे की बॉडीज हैं, आप डिमोलिशन करने पहुंच जाते हैं। जब लोग खरीद लेते हैं, गरीब लोग मकान खरीद लेते हैं, उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, और जब तक वो बिल्डिंगें बनती रहती हैं तब तक कोई वहां डिमोलिशन के लिए नहीं पहुंचता और गरीब के ऊपर तलवार लटकती है। अभी मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं, कल पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में एक सवाल आया था कि ब्लाइंड्स को उजाड़ने के लिए डीडीए ने उनके घर को डिमोलिश कर दिया। ओके, तो मंत्री जी, ओके ओके सर, इट्स अ टोटल टाइम ऑफ द बिल इज हाफ एन आवर, देन हाउ मच? अरे सर, 3 मिनट्स सर, इतना इंपॉर्टेंट इशू है दिल्ली के लोगों का, अभी शुरुआत भी नहीं करी सर, आपने घंटी बजा दी, तो इससे तो वैसे ही पास करा दीजिए सर। इट्स बेटर टू पास इट लाइक दैट इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। सर, मेरा कहना यह, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डीडीए की जो लैंड पे जो ब्लाइंड्स रहते थे, वो छोटी सी जमीन को तो आपने डिमोलिश करा दिया डीडीए से, क्या बाकी जो डीडीए की प्रॉपर्टीज पे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, क्या वो डीडीए को नहीं दिखाई दिए थे कि उनको डिमोलिश करें? ब्लाइंड्स को दिखाई दिए थे जिनका हॉस्टल था। अभी 3 दिन पहले यहाँ पे 13 लोग एक फ्लैट में रहते थे, वहां पहुंच गए आपके लोग उसको डिमोलिश करने के लिए। जैतपुर एक गांव है वहां। मेरा कहने का पर्पज यह है कि जब तक आप इसको जल्द से जल्द रेगुलाइज नहीं करेंगे, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने का प्रोविजन नहीं करेंगे, वहां आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, लैंड ग्रैबर्स उसे भेज डालेंगे। कई बार मैंने लिखा आपके डीडीए के डिपार्टमेंट्स को, कितनी चिट्ठियां मैंने लिखी कि पार्क में जमुना के किनारे वहां पे इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, NH2 बाईपास बनना है, आज तक वहां कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल को आप उन गरीबों को जब बिक जाएंगे, लोग वहां पहुंच जाएंगे, वहां बस जाएंगे, तो आप बुलडोजर लेके वहां पहुंच जाएंगे। इज इट फेयर? मेरा कहना यह है कि मंत्री जी, इसको आप जून 2017 तक कीजिए और उसके बाद का एक भी ईंट लगने के लिए आप वहां मत छोड़िए। मैं बिल्कुल इसमें आपके साथ हूं, लेकिन
आगे का जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन जरूर कीजिए कि एक भी ईंट कोई अनऑथराइज कॉलोनी में बगैर परमिशन के, बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के ना लगा सके। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा इसलिए आप बार बार घंटी बजा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा बोला। धन्यवाद।